हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आई एम गोना क्रिएट दिस लुक। आप ये लुक किसी भी कलर के आउटफिट के साथ क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, कॉस्ट, कौन से स्किन पर कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई करना है, सब है। सो वॉच दिस टिल द एंड। अगर आप ब्राइडल लुक खुद पर कर रहे हो, किसी क्लाइंट पर कर रहे हो, तो मेक श्योर आपकी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेट हो। सो फॉर दैट मैं यूज कर रही हूँ रोज वाटर। ये आपके फेस को बहुत अच्छे से रिफ्रेश करेगा एंड पोर्स को भी श्रिंक कर देगा। स्किन सरफेस को स्मूथ आउट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ लवर सिरामाइड मॉइस्चराइजर। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर आपका या आपके क्लाइंट का ऑयली स्किन है, तो आप पॉन्ड्स का वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या रिक्विल एंड फॉक्सटेल का मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो। एंड सबका प्राइस अराउंड 300 रुपीज ही है। पोर्स को फिल आउट करने के लिए एंड फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए प्राइमर लगाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यूज कर रही हूँ कलाबार फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर। मैंने ये लिया था अराउंड रुपीज 440। नोज के अराउंड एंड अंडर आईज को भी अच्छे से प्राइम करना है, ताकि आपका मेकअप बेस हट ना जाए या फिर उसमें क्रैक्स ना हो। बिकॉज ब्राइडल मेकअप है, 12 टू 14 आवर्स तक लॉन्ग लास्टिंग रहना ही चाहिए। आप भी देख सकते हो मेरा स्किन अभी कितना प्लम्पी एंड हाइड्रेटेड लग रहा है। अब मैंने ली है 2 ड्रॉप्स मैक्स स्ट्रोब क्रीम। ये थोड़ी कॉस्टली है, बट आप पैक मिनी स्ट्रोब क्रीम भी यूज कर सकते हो, जो मिल जाती है अराउंड रुपीज 195 ओनली। इस स्ट्रोब क्रीम का टेक्सचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड आई नो ये अभी अच्छा नहीं दिख रहा, बट बाद में जब आप फुल लुक कंप्लीट कर लोगे, तो ये बहुत ही अच्छा ग्लो लाएगा आपके बेस में। सारे मार्क्स एंड ब्लेमिशेस को कवर करने के लिए मैं यूज करूंगी श्रेयन कॉस्मेटिक कंसीलर इन द शेड 01। ये मेरे स्किन टोन से 2 शेड्स डार्कर है एंड इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा कवरेज है। फोरहेड के साइड्स पर भी लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हमारे टैन होने की वजह से बाद में मेकअप ग्रे पड़ जाता है। एंड अगर आप ऑरेंज कंसीलर हैंडल नहीं कर पाते, तो आप कोई भी 2-3 शेड्स डाकर कंसीलर यूज कर सकते हो। और कंसीलर को हमेशा अपने हल्के हाथों से ही डैप करो। एंड लिप्स को अभी ही हाइड्रेट कर रही हूँ, कि जब तक लिपस्टिक अप्लाई होगी तब तक मेरे लिप्स हाइड्रेट हो जाएंगे एंड क्रैक्स भी विजिबल नहीं होंगे। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन यूज करूंगी। मेरे पास इसमें 2 शेड्स हैं, एक डार्क एंड एक लाइट। मैं अपने हर क्लाइंट पर और खुद पर मिक्स एंड मैच करके अपनी स्किन टोन का शेड बना लेती हूँ। ये फाउंडेशन हाई कवरेज है एंड मैंने एक स्वेट प्रूफ और एक्ने प्रोन स्किन पर भी ट्यूटोरियल अपलोड किया है एंड दोनों में ही ये फाउंडेशन यूज करी है। अगर आपको ब्राइड्स के लिए अफोर्डेबल फाउंडेशन चाहिए, तो सबसे ज्यादा बेस्ट चाहिए। अगर आप फुल कवरेज चाहते हो, तो पहले ब्रश से एप्लीकेशन करो एंड देन ब्लेंडर से ब्लेंड करो। एंड ये फाउंडेशन मैंने ड्राई एंड ऑयली स्किन दोनों क्लाइंट्स पे ट्राई किए हैं एंड अभी तक के इसने मुझे बेस्ट रिजल्ट्स ही दिए हैं। और भी फाउंडेशंस हैं, जैसे एले गर्ल प्रो कवरेज HD फाउंडेशन, के ब्यूटी, करेक्टर कॉस्मेटिक्स फुल स्टूडियो फोकस लिक्विड फाउंडेशन। ये सब अंडर 1600 है एंड आप ये सब ब्राइड्स के लिए भी यूज कर सकते हो। मार्स कंसीलर पैलेट से क्रीम कॉन्टोर यूज कर रही हूँ स्कल्प्टेड लुक देने के लिए। आपको ईयर्स के अपर पोर्शन से स्टार्ट करना है एंड ड्रैग करके जहाँ आपकी आईज एंड होती है उधर तक अप्लाई करना है। एंड नोज कॉन्टोर के लिए आईब्रो से स्टार्ट करके टिप ऑफ द नोज तक आना है। एंड अगर आपका फोरहेड ब्रॉड है, तो उसे छोटा दिखाने के लिए आप वहाँ भी शेडो क्रिएट कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स जॉलाइन को शार्प दिखाने के लिए भी आप यूज करोगे। ब्लेंड करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ भी आपने कॉन्टोर अप्लाई किया है, आपको ब्लेंड भी उधर ही करना है। वो प्रोडक्ट ना ही कॉन्टोर एप्लीकेशन से ऊपर जाना चाहिए और ना ही नीचे जाना चाहिए, वरना वो आपके फेस के स्ट्रक्चर को खराब कर देगा। अब मैं लैक्मे 9 to 5 मूज लिप एंड चिक टेंट यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही पिगमेंटेड एंड लॉन्ग लास्टिंग है। क्रीम ब्लशर ब्राइड्स को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज पाउडर ब्लशर कुछ टाइम बाद फेड हो जाते हैं एंड ये इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। देन मैंने रिकॉर्ड का कंसीलर लिया है इन द शेड न्यूट्रल। ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए बेस्ट है। फाउंडेशन मैंने अपने स्किन टोन का ही अप्लाई किया था, तो 2 शेड्स लाइटर कंसीलर से मैं अपने स्किन टोन को थोड़ा लिफ्ट कर दूंगी। इसी कंसीलर से मैं इस बेस भी सेट कर दूंगी एंड सब कुछ ब्लेंड करने के बाद अब मैं बेस को लॉक करूंगी। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर। ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए बेस्ट है एंड कॉस्ट करता अराउंड 500 to 600 ओनली। आपको ब्लेंडर एंड पाउडर पफ हैंड इन हैंड यूज करना है। थोड़ा ब्लेंड करो दोबारा कि जो भी क्रीजेस होंगी वो निकल जाए एंड देन उसी टाइम पाउडर पफ से लॉक कर दो। एंड अगर हम बात करें डस्की स्किन टोन के लिए,
आप फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर भी यूज कर सकते हो। शुगर, मैक, मेकअप रेवोल्यूशन सबके अंडर 700 रुपीज आराम से मिल जाते हैं। मैंने लिया है स्विस ब्यूटी चिकाबू 3-in-1 पैलेट, जिसमें से मैं यूज कर रही हूँ पाउडर कंटोर, एंड ये कॉस्ट करता अराउंड 320 रुपीज ओनली। ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड पैलेट है, तो इसलिए हमेशा एक्सेस प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ कर दो, एंड जहाँ हमने क्रीम कंटोर अप्लाई किया था बस वहीं पर आपको पाउडर कंटोर ही अप्लाई करना है। एंड अगर आप बिगनर हो तो नोज कंटोर के लिए हमेशा स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का यूज करो, बिकॉज नोज का सर्फेस एरिया कम होता है। पाउडर ब्लशर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मिस क्लेयर ब्लशर पैलेट। इसका प्राइस ड्रॉप हो गया है 2 rupees 600 ओनली, एंड इसमें हमें 10 डिफरेंट शेड्स मिलती हैं फॉर ऑल स्किन टोन्स। अगर आप भी क्लाइंट्स के साथ डील करते हो तो आप इस ब्लशर पैलेट में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। अब मैं फेस को हाईलाइट करने के लिए यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक्स का हाईलाइटर यूज कर रही हूँ। इसमें भी 6 शेड्स अवेलेबल हैं फॉर ऑल स्किन टोन्स। एंड अगर आपको सिंगल हाईलाइटर चाहिए तो आप पैक किलर ग्लो हाईलाइटर इन द शेड रोज गोल्ड यूज कर सकते हो, या फिर मेबलिन न्यूयॉर्क फेस स्टूडियो भी ले सकते हो, एंड दोनों ही कॉस्ट करते हैं अराउंड 600 रुपीज। अब मैंने लिया है यूरोप गर्ल आई शेडो पैलेट। इसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ अपने आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए। देन एंगुलर ब्रश से मिडल ऑफ द आईब्रो से स्टार्ट करो टिल द एंड, एंड जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बच जाए उसे अंदर एंड फ्रंट में फिल कर दो। फ्रंट में आप जितना ही ज्यादा प्रोडक्ट लगाओगे वो उतना ही ज्यादा अननेचुरल लगेगा। देन काजल पेंसिल से मैं टाइट लाइनिंग करूंगी अपर लैश लाइन में कि हमारा आई मेकअप प्रॉपर डिफाइन लगे। अब मैंने सेम पैलेट से लाइट ब्राउन शेड लिया है एंड अप्लाई करा है एज ए ट्रांजिशन शेड। आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके उसे बिल्डअप करना है। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना आई मेकअप आपका अच्छा लगेगा। ट्रांजिशन शेड्स हमेशा लाइट ब्राउन, लाइट पिंक, लाइट ऑरेंज ही रहती है। देन मैंने डार्क ब्राउन शेड लेके उसे अपनी क्रीज पे ब्लेंड कराए। मेरे पास ये शिमर पैलेट है, इसमें से मैंने अपने आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए गोल्डन शेड लिया है एंड आईलिड्स पे अप्लाई करा है यूजिंग अ स्मॉल फ्लैट ब्रश। अब मैं एक पेंसिल ब्रश लेके आई शेडो एंड शिमर लाइंस को ब्लेंड आउट कर दूंगी कि कोई भी हार्श लाइंस विजिबल ना हो। नेक्स्ट ये 2 glitters हैं, एक गोल्डन में एंड एक सिल्वर ब्लू में। प्रॉपर गोल्डन मुझे चाहिए नहीं था तो मैंने ये दोनों मिक्स कर दिए। आप देख सकते हो कि 2 shades मिक्स करके ये मेरे आउटफिट के साथ प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये है स्विस ब्यूटी क्रेज आईलाइनर, जेट ब्लैक आईलाइनर है ये। ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता। इसको अच्छे से आपको लैश लाइन पर लगाना है कि जहां हमने टाइट लाइनिंग की थी एंड जहां हम आईलाइनर लगा रहे हैं वो बिल्कुल एक ही स्लीक लाइन लगे। मैं मेबलिन ब्लैक काजल यूज कर रही हूं। ये स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ काजल है। देन काजल को सेट करने के लिए ब्लैक आई शेडो लूंगी एंड स्मॉल ब्रश से उसको सेट कर दूंगी। इससे आपका काजल लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा एंड आपके आई मेकअप को एक इंटेंस लुक देगा। काजल की हमने जो प्रॉपर लाइन क्रिएट करी थी उसको स्मज आउट करने के लिए कोई भी ब्राउन आई शेडो ले सकते हो एंड एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश या पेंसिल ब्रश से आप उसको ब्लेंड करोगे। जितना छोटा ब्रश यूज करोगे उतनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी एंड प्रोडक्ट भी स्प्रेड नहीं होगा। लैशेस मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी। देन फेक लैशेस को अच्छे से मर्ज करने के लिए मस्कारा अप्लाई करो एंड फॉल्स लैशेस लगाने के बाद ग्लू थोड़ा सरफेस पे आ जाता है तो कोई भी आईलाइनर से आप उसको एक कोट दे दो कि जो ग्लू है वो विजिबल ना हो। एंड आईज को थोड़ा इलोंगेटेड लुक देने के लिए मैंने यही आईलाइनर से एक इनर कॉर्नर में विंग क्रिएट करी है। अब आपको कोई भी एक फ्लफी ब्रश लेना है, मेक श्योर उस पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। देन थोड़ा सा लॉक पाउडर लेकर अपने फुल फेस को डस्ट ऑफ कर दो हल्के हाथों से। देन ब्रोबोन को हाईलाइट कर रही हूँ। अगर आपका क्लाइंट थ्रेडिंग नहीं करवाता तो आपको ब्रोबोन हाईलाइट नहीं करनी, बिकॉज देन उधर के हेयर्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। ये सिल्वर पेंसिल मैंने प्रोवार्ड से परचेज की थी। इससे मैं इनर कॉर्नर से लेके मिडल ऑफ द आई तक एक कोट दे रही हूँ। इसको मिडल तक अप्लाई करने के बाद जो उसका एंड होगा उसको स्मज आउट कर दो। मेकअप फिक्सर अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, जैसे कि पैक माइक्रो फिनिश फेसेस कैनेडा प्रो फिक्सर, फॉरएवर 52 फिक्स क्विकली, ये सब अंडर 1000 रुपीज है एंड मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करते हैं। टीन्स का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। ये कॉस्ट करता है अराउंड 50 रुपीज ओनली एंड कोई भी ऑफलाइन स्टोर से ये बहुत इजिली अवेलेबल हो जाता है। एंड जो शेड मैं यूज कर रही हूँ वो है 27 रेडल लवर्स लिक्विड मूज लिपस्टिक पैक से मैं पिंक लेडी शेड यूज कर रही हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो डू चेक इट आउट। देन उसके ऊपर मैंने किया कॉस्मेटिक्स क्रीमी लिपस्टिक यूज करी है इन द शेड 1950s। थोड़ा सा मेकअप फिक्सर दोबारा स्प्रे करने के बाद एंड वी आर डन।
एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड अगर आप ये लुक रिक्रिएट करते हो तो प्लीज डू टैग मी ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल लिंक भी दे दिया है इन द डिस्क्रिप्शन बिलो आई विल रीपोस्ट दैट थैंक यू बाय बाय.